वेलकम बैक। कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेमेंट केस्किन का कहना है कि वो गुज़िश्ता हफ्ते घबराहट का शिकार होकर लापता हुए थे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेमेंट केस्किन का कहना है कि वो गुज़िश्ता हफ्ते घबराहट का शिकार होकर लापता हो गए थे। केस्किन, जो कि पहले ही सितंबर में रिटायर्ड होने का ऐलान कर चुके हैं, उनका कहना है कि वो तवील अरसे तक डिप्रेशन और परेशानी में मुब्तला रहे, जिससे वो बेहतर तरीके से डील करते थे, ताहम गुज़िश्ता हफ्ते वो इस बीमारी के खिलाफ नाकाम हो गए थे। उनका कहना था कि 8 मई को बुध के रोज उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया। मैं इस अमल की ज्यादा वजाहत नहीं करूँगा जो मैं कई घंटों तक लापता रहा। मैं इन तमाम लोगों से मुआज़रत चाहता हूँ जो मेरी से परेशानी में मुब्तला हुए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज ओटावा पुलिस की जानिब से मिसिंग पर्सन अलर्ट जारी हुआ था, ताहम कुछ देर बाद जस्टिस क्लेमेंट केस्किन को ढूंढ लिया गया था। कुछ बात करेंगे इस जंग में जहां हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कितनी फिक्र है और वो इस सिलसिले में कितने संजीदा हैं। लिबरल्स और डेमोक्रेट की जानिब से क्लाइमेट चेंज को नेशनल इमरजेंसी के तौर पर नाफिज करने की हिमायत की गई है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लिबरल्स की जानिब से क्लाइमेट चेंज मोशन की हिमायत की गई है, जिसमें कंजर्वेटिव के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया गया है। इस जंग में जहां हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कितनी फिक्र है और वो इस सिलसिले में कितने संजीदा हैं, लिबरल्स और डेमोक्रेट की जानिब से क्लाइमेट चेंज को नेशनल इमरजेंसी के तौर पर नाफिज करने की हिमायत की गई है। लिबरल्स की तहरीक, जो जुमेरात के रोज बहस की गई, अरकान से सवाल करती है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए और ग्रीन हाउसेस से गैसों के अखराज में भी कमी की जाए और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से आलमी असूलों की पासदारी की जानी चाहिए। NDP की तहरीक, जिस पर बुध के रोज बहस की गई, उसमें मुतालबा किया गया है कि हुकूमत ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन मंसूबे की तौसी और फोसल फ्यूल पर सब्सिडी खत्म की जाए। कनाडा की खारजा अमूर की वजीर क्रिस्टिया फ्रीलैंड वाशिंगटन में ट्रंप के तजारत के वजीर रॉबर्ट लाइस्टर से मुलाकात करने जा रही है, जिसमे स्टील और अलमूनियम टैरिफ के हवाले से बातचीत की जाएगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की खारजा अमूर की वजीर क्रिस्टिया फ्रीलैंड वाशिंगटन में ट्रंप के तजारत के वजीर रॉबर्ट लाइट्जर से मुलाकात करने जा रही हैं, जिसमें स्टील और अलमूनियम टैरिफ्स के हवाले से बातचीत की जाएगी। फ्रीलैंड वाशिंगटन में अक़वामे मुत्तहिदा के तजारती नुमाइंदों की एक मीटिंग में शिरकत करने के लिए वहां मौजूद हैं, ताहम वो कैपिटल हिल में बासर रिपब्लिकन चक ग्रासले के साथ भी मीटिंग करेंगी। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि हम टैरिफ के खात्मे की भरपूर कोशिश करेंगे, मौजूदा सूरत हाल हमें इस बात पर मजबूर करती है, जो कुछ हमारी दस्तरस में है हम वो करेंगे, इसलिए हमें जिससे भी बात करनी पड़ी हम करेंगे। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से अमरीकी सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमे कैनेडियन स्टील पर मुतनाजा 25% ड्यूटी और अलमोनियम पर 10% लेवी गुफ्तगू का अहम मौजू थी। कुछ बात करेंगे, गुज़िश्ता रोज अलास्का में हादसे का शिकार होने वाले जहाज में हलाकतों की तादाद 6 हो गई है, जिसमें एक कैनेडियन खातून भी शामिल है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज अलास्का में हादसे का शिकार होने वाले जहाज में हलाकतों की तादाद 6 हो गई है, जिसमें एक कैनेडियन खातून भी शामिल है। अलास्का स्टेट ट्रूप्स की जानिब से बताया गया है कि 37 साला एलेक्सा विल्क का ताल्लुक रिचमोंड ब्रिटिश कोलंबिया से था। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा के हुकाम का कहना है कि कैनेडियन कौंसलर का हमला सेटल में मुकामी अथॉरिटी से राब्ते में है, ताकि मुतलका हुकाम को जिस किस्म की मालूमात चाहिए हो उन्हें फराहम की जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी रियासत अलास्का में दो मुसाफिर बर्दार तैयारे आपस में टकरा गए थे, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए थे। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक तैयारे में सैयाह मौजूद थे। दोनों समंदरी तैयारों को कैनेडियन शहर वैंकूवर से अमरीकी रियासत अलास्का के शहर एनकराच पहुंचना था। अमरीकी कोस्ट गार्ड हुकाम का कहना है की दौरान परवाज तैयारे हादसे का शिकार हुए, एक तैयारे में 11 जबकि दूसरे तैयारे में 5 अफराद सवार थे। हादसे की वजूहत अभी सामने नहीं आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तजारती तनाव के बावजूद अपने चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करने का ऐलान किया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तजारती तनाव के बावजूद अपने चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ने अपने एक बयान में कहा है कि चीनी सदर से मुलाकात जून के आखिर में मुतवक्के है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि मुलाकात जापान में मुनक्किद होने वाले G20 सरबरा इजलास के मौके पर होगी। याद रहे कि अमरीका और चीन के माबैन तजारती तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया है। ट्रंप की जानिब से चीनी मसनूआत पर नए इजाफी
فی ٹیکسز نافذ کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب چین اور امریکہ میں تجارتی تنازع میں شدت آنے کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان پیدا ہو گیا ہے۔ عالمی تجارتی سرگرمیاں متاثر ہونے لگی ہیں۔ چین پر امریکہ کی جانب سے مزید ٹیکس کے نفاذ اور چین کے جوابی اقدامات کے اعلان کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹس میں مندی کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ بات کریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سعودی تیل بردار جہازوں پر حملے میں ایران ملوث ہوا تو کارروائی میں دیر نہیں کریں گے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سعودی تیل بردار جہازوں پر حملے میں ایران ملوث ہوا تو کارروائی میں دیر نہیں کریں گے۔ امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اب نئے ہارمز کے نزدیک سعودی بحری جہازوں پر حملے میں ایران ملوث ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ اگر ایران حملے میں ملوث ہوا تو امریکہ اس کے خلاف ایکشن لینے میں دیر نہیں کرے گا اور نتائج کا ذمہ دار بھی ایران ہوگا۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ نے اصل قصوروار کو سامنے لانے کے لیے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جبکہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات نے مل کر واقعے کی تحقیقات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یو اے ای کی جانب سے حملے کا نشانہ بننے والے بحری جہازوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز خلیجی ممالک سے دنیا بھر کو تیل کی فراہمی کے لیے استعمال ہونے والی واحد گزرگاہ اب نئے ہارمز کے نزدیک سعودی عرب کے دو تیل بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ٹی این این کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی۔